Hello and salaam alaikum. I am Sahid Hasan of Samara Medical University and I am in first year. तो जब हम लोग इंडिया से रशिया के लिए ट्रैवल कर रहे थे तो हम लोग को बहुत सारी क्वेरीज थी कि रशिया कैसा है और रशिया में क्या है, हलाल फूड वगैरह मिलता है कि नहीं, मुस्लिम स्टूडेंट के लिए कैसा है, क्योंकि ये एक रशिया एक यूरोपियन कंट्री आ जाता है। आने से पहले मेरे फादर भी बहुत बोले थे कि कोई मुस्लिम कंट्री देख लो, जैसे किर्गिस्तान, काजाकिस्तान वगैरह, बट मेरा मन तो समारा में ही अटका था तो मैंने समारा ही चूज़ किया। बट एक भैया से मैंने पूछा तो भैया बताए थे हाँ है, यहाँ मॉस्क भी है और ईज़िली हर चीज़ अवेलेबल हो जाता है। तो मेरे एक्सपीरियंस से लगभग मेरे यहाँ 4 से 5 महीना हो गया। और अगर बात करें हम लोग यहाँ इंडियन फूड को, तो इंडियन फूड के रिलेटेड मैंने ब्लॉग बनाया था। तो फ्राइडे है और नमाज़ के लिए भी लेट हो रहे हम लोग, और मैंने तो वज़ू वगैरह तो कर लिया, वज़ू करके बैठा हूँ। इसके जस्ट बाद हम लोग को जाना है नमाज़ पढ़ने के लिए। तो फिर यहाँ से डिस्टेंस है तो गागारीना 16 से हम लोग को जाना है उलित्सा स्तारा जगोरा 54, जो समारा में ही पड़ता है, जो कि 2.3 किलोमीटर हम लोग का हॉस्टल से है। तो ज़्यादा लेट ना किए हम लोग चलते हैं। उससे पहले कुछ मस्जिद के रिलेटेड आप लोग से बात करना है। ये मस्जिद ऐसा नहीं है कि बस एक ही मस्जिद है, इसके अलावा भी बहुत सारे मस्जिद है जिसपे मैं वीडियो बना दूंगा कभी बाद में, लेकिन ये मस्जिद कुछ खास है। और अगर बात करें रशिया में तो वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क में आता है। और दूसरी बात, ये जो मस्जिद है, ये जो बना था, ये नवंबर 14, 1998, और पहला प्रेयर जो पढ़ा गया था वो पढ़ा गया था 15 दिसंबर 1998, और ऑफिशियली जब ये स्टार्ट हो गया था वो था 28 नवंबर 1999। और ये सुन्नी मॉस्क है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेरीज होता है कि सुन्नी है कि शिया है, तो ये सुन्नी मॉस्क है, जो कि हम लोग आगे आप लोग को दिखाते हैं नमाज वगैरह के रिलेटेड, और फिर चलते हैं। जब भी
तो फाइनली हम लोग जुमे के नमाज अदा करके हम लोग हॉस्टल की ओर जा रहे हैं। हम लोग हॉस्टल से लगभग 6 जन आए हैं, जो कि 2 वहाँ हैं वीडियो शूट कर रहे हैं और 3 आगे हैं और 1 हम हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तो ये हमारे तौहीद भाई, तो आपको कैसी लगती नमाज पढ़ के यहाँ? दिल को सुकून मिला और क्या, अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पे थोड़ा नूर आ गया माशाल्लाह। वीडियो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। वाह।